पश्चिमी चंपारण में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम एवं राज्य में शराब की हो रही खुलेआम बिक्री को लेकर विरोध मार्च निकाला। पश्चिमी चंपारण के परसोनी में मुख्य सड़क पर राजद के जिलाध्यक्ष पप्पू यादव के नेतृत्व में विरोध मार्च निकालकर प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी एवं विरोध करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला भी दहन किया। जिलाध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि पेट्रोल डीजल एवं अन्य खाद्य सामग्री की बढ़ती कीमत से आम एवं किसान परेशान है। देश की समस्त जनता महंगाई से त्राहिमाम कर रही है, लेकिन सरकार गहरी नींद में सोई हुई है। दूसरी तरफ राज्य सरकार द्वारा शराबबंदी की घोषणा के बाद भी राज्य में खुलेआम शराब की बिक्री हो रही है। शराब की बिक्री रोकने में राज्य सरकार बिल्कुल नाकाम है और अपना ढिंढोरा खुद पीटती है कि हम पूर्ण रूप से शराबबंदी कर चुके हैं। जहाँ भी देखे वहाँ शराब खुलेआम बिक रही है। पश्चिमी चंपारण से बिहार लाइव सेवन के लिए मुरारी शरण तिवारी की रिपोर्ट। दिल्ली शराब से मरे हैं, उस पर क्या कहना है? अभी तो जो रामनगर में दर्जनों भाई जो हमारे जो गुजरे हैं अभी शराब को लेकर, ये तो मतलब कि ये जो अभी सरकार बिहार की सरकार हो जो नीतीश कुमार की सरकार है, सरकार का कथनी है कि ये शराबबंदी हो गया है, पूरा बिहार शराब मुक्त हो गया। मगर ऐसा है नहीं, शराब बिक रहा है। टोटल मतलब पूरे उनकी कार्यकर्ता सभी लग के बिचवा रहे हैं ये चीज को। अभी हमारे भोले भाले जो कार्यकर्ता हैं वो गुजर रहे हैं। ये दोषी सरकार, अभी निकम्मी जो सरकार है इसकी दोषी है। मैं राष्ट्रीय जनता दल जिला अध्यक्ष पप्पू यादव, मैं ये मांग करता हूँ सरकार से, इस निकम्मी सरकार से, इस पर गहन जाँच किया जाए और जो दोषी पाए जाते हैं उनको दोषी करार किया जाए।